खुश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग नए खाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे सीजर की चटनी बनाएंगे, आलू चोखा है, भिंडी है, दाल है, खाना शुरू कर रहे हैं। आप समझे होंगे कि सीजर मतलब ड्राई फिश, और शिलोंग के लोग कहते हैं तुंता, वो खासी लोग बोलते हैं, और यहाँ पे हम वही बना रहे हैं। यहाँ बेंगोल में सभी खाते हैं, सभी जगह में खाते हैं सीजर मच्छी। हाँ, सीजर मच्छी, हाँ, उसी का चटनी बनाया है, और भिंडी बनाया है, और ये चोखा, और ये आम चटनी, और ये कच्चा आम रखे है, ये यास और दाल चावल, बस यही है। अब खाएंगे क्या इतनी गर्मी में, अब शुरू करते हैं। ये सीजर मास्क बहुत टेस्ट हुआ दोस्तों। गर्मी में खाना नहीं चाहिए, शीतल नहीं खाते गर्मी में, गर्मी है वो। कभी कभी घर से कुछ नहीं, रोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभी कुछ नहीं, बहुत दिनों या महीने के बाद खा रहे हैं। मैंने तो बनाया नहीं, इन्होंने बनाया है, ड्यूटी से आके बनाया है। इतनी गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं जो किचन में जाके बहुत सारे खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, ये मेरी हिम्मत नहीं है। Thank you.
डालनी है और थोड़ा सा चटनी दोगी यहाँ पे चटनी। बुढ़िया खा लो, क्या होता बोलो तो, अच्छा है ना ये खाने में, बदलिए गुड़िया। जलमास खाने से रात को नींद अच्छी आती है, नींद भी नहीं अच्छा आ जाएगा, बच्चा पढ़ेगा। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, खाते हैं दो बच्चा नहीं खाएगा, छोटी वाली और बेटा, बड़ी वाली खाती है, उसको ये सब पसंद है, हस्बैंड वाइफ। मटन भी कोई नहीं खाता, बस हस्बैंड वाइफ। चिकन वो लड़का कुछ खाएगा नहीं, बेटा दो बेटी खाएगी, दो पीस खाई और ज्यादा नहीं खाएगी। हम भी इतनी ज़्यादा नहीं खाते, वो भी ऐसे फिर खाते है, बस एक पीस खाने से खाया तो हुआ। एक दिन कॉम्पिटिशन रखेंगे, कौन फसल नहीं पसंद है, हमें पसंद है। जिस दिन में चिकन बनाएंगे उस दिन हमेशा चिकन है, अभी तो बोलो मटन, कोई बच्चा लोग खाते नहीं है तो मटन, तो कोई बात नहीं, दो बच्चा को लेके देंगे चिकन, और बेटा खाएगा नहीं, बेटा भी पनीर बना देंगे। वैसे भी अभी तो एक खाने शुरू कर दिया, एक तो अंडा तो खाता नहीं था, अंडा खाने शुरू कर दिया, वो कुछ नहीं खाते थे, वो भी अंडा खा रहे हैं, तो अंडा का सब्जी बनाने से अंडा कड़ी बनाने तो इतने झमेला होता है ना, कोई ये नहीं खाएगा, कोई वो नहीं खाएगा, कितने बनाओ गर्मी में, सोचो बहुत झमेला है। और यहाँ से ऑर्डर आते ये बना दो, ये मुझे नहीं खाना, वो नहीं मुझे नहीं खाना, बाप रे बाप रे। रेडियो को कितना मुश्किल होता है बनाने के लिए, वो तो हम ही समझ सकते हैं, नहीं बना के इसे बनाया, पिक्चरें नहीं बनाए, मैंने तो सिर्फ चटनी बनाया है। इतनी टेस्टी हुआ ना, मुझे मुझे जाकर पूरा खा दूंगी, नहीं होगा जल्द खाने सकेंगे। और हाँ, आप सब तो मेरा चैनल देखते हो, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं है, देख लीजिए इसमें मैं खुश हूँ, और नए कोई भी होंगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम खा चुके हैं, आप हम उठेंगे, हम जाने से पहले आपको बोलते हैं कि आप मेरा ब्लॉग तो देखते हो, नए जो कोई भी होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट एक भी नहीं करते हो,
वो भी करने कोशिश कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे भेज मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा लगे मेरे दोस्तों में देखते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ आप देखते रहे, कोई तो मुझे कमेंट किया है, वो भी कमेंट कर दीजिए। और मेरे व्यूज़ नहीं आता, इतनी वीडियो डालती हूँ, सब वीडियो डालती हूँ, जो भी कॉमेडी होता है मैं सब कुछ डालती हूँ, गाने भी मैं गाती हूँ, वो भी मुझे मेरा आता ही नहीं है। प्लीज़ आप सब मुझे सहयोग कीजिए कि मेरा व्यूज आने के लिए आप मुझे साथ दीजिए, साथ दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप भी मुझे मेरा घर का सब कुछ दिखा, मैं बोल रही हूँ मैं आप सब कुछ मैं लाऊँगी, टूर दिखाऊँगी और होम टूर कराऊँगी, ब्लॉग में दिनचर्या कैसे होती है मैं सब कुछ दिखाऊँगी। बस आप लोग मुझे साथ दीजिए, आप कमेंट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, फॉलो फेसबुक भी है मेरा चैनल इसी नाम से श्रिया सरोवर बनाते हैं, उसमें मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी है। मैं अभी रखती हूँ, नेक्स्ट टाइम भी फिर से आएंगे हस्बैंड वाइफ, मैं वीडियो लेके फिर से आएंगे, तब तक लिए बाय।